अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रेगुलेटरी। दोस्तों आज हम हावर मीटर, डिजिटल हावर मीटर की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये वाया कंपनी का एक हावर मीटर है। ये डिजिटल हावर मीटर है, इसमें रीसेट का बटन भी दे रखा है और 220 वोल्ट है और रीसेट भी इसमें ऑप्शन है। इसे खोलते हैं, ये देखो डिजिटल हावर मीटर वाया, ये इसमें बटन दे रखा है, इसमें हम चेक भी कर सकते हैं और रीसेट भी। ये मीटर अमूमन जनरेटर पे भी मानो आदमी लगा सकते हैं और इसे ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है तो ज़मीनों पर जो लोग पानी बेचते हैं घंटों के हिसाब से, ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं कि मोटर पे लगा दिया इस मीटर को और मोटर ऑन करते हैं तो ये मीटर चलना शुरू हो जाता है और जितनी देर मोटर चलती है तो ये काउंटिंग करता है कि इतनी देर मोटर चली है। और इसमें ये रीसेट का बटन भी है कि ये इससे रीसेट भी कर सकते हैं हम। तो आइए इसे हम करंट देकर, 220 वोल्ट इसमें करंट देना पड़ता है यहाँ से, और तो इसको चला के दिखाएंगे ये किस तरह काम करता है। ये देखें दोस्तों, इस तरह हमने इसके अंदर ये दो तारें लगा दी हैं और अभी इसके हम 220 वोल्ट इसको देकर इसको ऑन करके दिखाएंगे आपको। ये देखें, ये स्टार्ट हो चुका है और ये जो शुरू में जो ग्रीन लाइट्स जल रही हैं ये हैं मिनट्स की और ये हावर्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। ये फ्लैश मार रही है तो ये इसका सेकेंड फ्लैश मार रहे हैं इसके। इस तरह ये काम करता है और डिजिटल हावर मीटर्स, और ये चेक और रीसेट का बटन है। अभी ये 1 मिनट हो जाएगा तो ये एक इधर आ जाएगा। ये देखें 1 मिनट हो चुका है इसको। इस तरह ये जितनी देर मोटर चलेगी या जनरेटर पे हम यूज़ करते हैं तो ये बताएगा कि इतनी देर मोटर चली है, घंटों के हिसाब से मिनट्स भी बताएगा, घंटे ही बताएगा। तो ये मार्केट में भी नया आया है हावर मीटर डिजिटल। 2 मिनट होने वाले हैं, अब 2 मिनट के बाद हम इसको, इसकी सप्लाई 220 वोल्ट बंद करके दिखाएंगे, फिर वापसी इन करेंगे तो ये वहीं से स्टार्ट होता है या वो शुरू से स्टार्ट होगा, इसको देखते हैं हम। ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं इसको। अब हम इसके सप्लाई 220 वोल्ट निकाल के देखते हैं कि ये तार निकाल दी हमने इसकी तो ये बंद हो गया। अब इसको वापसी हम यहीं से लगाएंगे। ये देखिए वही 2 मिनट से ये स्टार्ट हो गया वापसी। अब इसे हम रीसेट भी कर सकते हैं इस बटन से, ये पुश रखना पड़ेगा इसको तो ये रीसेट हो जाएगा। 3 से 4 सेकंड के लिए इसको पुश रखना पड़ेगा तो ये रीसेट हो गया। देखें, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। लाइक्स और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।